संसद में बैठे थे। मैंने कहा ना नजरिए का इख्तलाफ है, लेकिन जहां मुझे सच लगता है Assalamualaikum to everyone, कैसे आप सब? मेरा नाम है जोयमानी। Assalamualaikum दोस्तों, कैसे आप सब लोग? खैरियत से हैं? वेलकम हमारे चैनल पर जिसका नाम है जोयमानी रिएक्शन। मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। यार आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स कह रहे थे कि यार इस वीडियो के ऊपर बने रिएक्ट करें। यार हम हर किसी की वीडियो के ऊपर रिएक्ट लाजमी करेंगे। आप लोग जो जो कमेंट करते हैं हम लोग सबको रीड करते हैं इंशाल्लाह। बस टाइम की वजह से हम लोग उस पर जल्द से जल्द रिएक्ट कर नहीं सकते, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द रिएक्ट किया जाए। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स कह रहे थे कि भाई इमरान प्रताप गरी साहब जो हैं वो असदुद्दीन साहब के ऊपर छोटा सा मुशायरा उन्होंने लिखा हुआ था, इसके ऊपर उन्होंने मुझे लिंक सेंड की थी, तो मैंने ये लिंक उनकी कॉपी की है और उसी के लिंक के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो आज इसी उन्हीं की जो खूबसूरत सी लिंक है उसके ऊपर वीडियो लेकर आए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। जी मैं वही देख रही हूँ कि 6 साल पहले की है वीडियो। अरे कहना क्या चाहते हो? माशाल्लाह ये गिन रही थी। तो भाई 6 साल पहले है 10 साल पहले हमारे व्यूवर्स की जो बातें हैं वो तो हमें करनी पड़ेंगी। मुझे तो लग रहा है कुछ होता भी नहीं है और छोटा सा बच्चा जो है तारिक वो अच्छा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो तारे गिनने देते और हम इधर वीडियो देखते। 3-2-1 पिल्ले पिल्ले। यार ये म्यूजिक मेरे दिल को छू रही है, मेरे बचपन वाली म्यूजिक कैसे लग रही है ना। एडवोकेट से ये जलालुद्दीन प्रोड्यूस। कृपा शंकर। तो सारे शायरों के नाम बता रहे हैं। इमरान प्रताप गरी। लोकसभा में तमाम लोगों की खामोशी, तमाम पार्टियों की खामोशी ने कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर किया कि हमारे मुद्दों पर बोलने वाले लोग कितने कम होते जा रहे हैं, या मुल्क में सियासत ऐसे मकाम पर आके खड़ी हो गई है कि जल्दी कोई बात नहीं करना चाह रहा है हमारे आपके मुद्दे पर। सियासी इख्तलाफात भले हों मेरे, नजरिया किसी शख्स की सियासी पॉलिटिकल स्टाइल से भले मेरा ना मेल खाता हो, लेकिन मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं क्योंकि जहां मुझे गलत लगता है मैं वहां गलत बोलता हूं, लेकिन अगर किसी शख्स की तारीफ बनती है तो मेरा मन करता है कि मुझे 4 मिसरे जरूर पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं निजामुद्दीन भाई। मैंने कहा ना कि सियासी इख्तलाफात भले हों, बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन परसों जो पार्लियामेंट में हालात गुजरे हैं मेरा मन करता है कि मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूँ साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे। मैंने कहा ना नजरिए का इख्तलाफ है, लेकिन जहां मुझे सच लगता है वो कोई भी हो मैं उसकी तारीफ करने से नहीं चूकता और बुराई करने से भी नहीं चूकता। क्या बात है, क्योंकि मैं इसीलिए जाना पहचाना जाता हूं कि सच और गलत जहां भी होगा इंशाल्लाह उस पर बात जरूर रखूंगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने असदुद्दीन माइक लेकर के अपने प्रताप गढ़वालों के बीच में ना चला जाऊं।
आप मुतमईन रहे, दायरा पता है मुझे, मुझे कहाँ तक जाना। किसी को हटा ले प्लीज, मेहरबानी करके फिर से नंबर दोहरा दे, नंबर सुना। गाड़ी का रोल हो गया 1001, किसी की गाड़ी मेरी है, मैं जा रहा हूँ, जिसकी भी हो उनसे गुजारिश है कि उसे हटा दे। माइक वाले जो साथी हैं, माइक वाले बाबू जरा माइक तो बढ़ा दो। डीजे वाले बाबू, अच्छा जैसे मैंने माइक वाले बाबू कहा, पीछे से एक साहब ने कहा नहीं नहीं डीजे वाले बाबू बोलिए। ये लोगों को गाने कितने याद है, उनकी जुबान पे किस तरह से चढ़े हुए हैं। माइक, अब आवाज आ रही है। महज एक शख्स ने बोला, महज एक शख्स बोला, क्यों नहीं दो तीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला, मगर खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला। बिल पास होना बाकी है, लोकसभा में कोई कायदे का नेता भी नहीं था कांग्रेस का, राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद हैं, अहमद पटेल साहब हैं। आज मेरी दोपहर में बात भी हुई और मैं निजाम भाई से भी गुजारिश करूंगा और आप सबसे गुजारिश करता हूं, मतलब यार असदुद्दीन खुल के बोले, मतलब देखा यार असदुद्दीन साहब की बात करें तो असदुद्दीन साहब के अंदर एक ऐसा टैलेंट, ऐसा कॉन्फिडेंस है, वो किसी से नहीं डरते हैं। मतलब उनके अंदर एक मुझे एक वो जज्बा अच्छा लगता है ना, उनकी मुझे एक वीडियो बड़ी जबरदस्त थी जब वो आपके अदालत में आए थे, तो वो कहते यार मतलब हर किसी से इस तरह लड़ना झगड़ना, मतलब आप किसी से डरते नहीं है, किसी आगे तो झुक जाए। तो बड़ा प्यारा एक अल्फाज उन्होंने बोला, उन्होंने कहा नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता, मैं केवल अपने अल्लाह के आगे झुकता हूँ, मुझसे झुकना नहीं होता। मतलब वो कह रहे थे कि यार कहीं ठंडे पड़ जाए, मतलब समझ ले धन स्थान वगैरह, मतलब हर तरह की उन्होंने खुल के बात बता दी, कहीं झुक जाए, कहीं झुकते नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं झुकना मुझसे नहीं होता, मैं अपने केवल अल्लाह के आगे झुकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, सिक्योरिटी भी नहीं। जी सिक्योरिटी की बात आप देख लेना, 25-30 गार्ड होते हैं लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 गार्ड चूज किए। अच्छा मजे की बात है, इनको बहुत बड़ी बड़ी ऑफर भी आती होंगी, बट इन्होंने वही बात आई भी है, आई भी है, लेकिन वो यही बात कर रहे हैं एक ही की वो झुकते नहीं है, झुकते। उनके घर में भी हमला हुआ है, अभी देखा जाए तो रिसेंटली हुआ है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह ना डरते हैं, ना झुकते हैं, ना पीछे हटते हैं, बस अल्लाह की राह में लगे हुए। और वाकई यार ताकत देखे ना, जो अल्लाह की राह में लगा होता है उसकी ताकत भी देखे ना अल्लाह की। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अल्लाह कैसे अपने रहमतों के साथ उसके जो है वो सिक्योरिटी करते हैं। तो इनकी जो है मुशायरा इनका उनका बहुत ज़बरदस्त था, हर तरह का स्टार्ट से लेके एंड तक। यार मुझे लिंक जो सेंड करते हैं ना वो थोड़ा सा लेंथी भेजा करें, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार आप बहुत छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं। हम नहीं लेकर आते, हमारे व्यूवर जो लिंक हमें सेंड करते हैं हम उसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी रिक्वेस्ट पर बनाते हैं और जाहिर सी बात है उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं। और असदुद्दीन साहब की अगर हम तारीफ स्टार्ट करना शुरू करते तो शायद इस वीडियो को हावर स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो एक तारीफ है वो एक वीडियो के ऊपर कभी भी बयान नहीं हो सकती, क्योंकि असदुद्दीन साहब जैसा ग्रेट लीडर, वन ऑफ माय बेस्ट लीडर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। पाकिस्तान इंडिया को तो छोड़ दें, मैं तो कहता हूँ भाई पूरे वर्ल्ड में मैंने इस तरह का लीडर नहीं देखा, जो केवल अपने नहीं अपने मुल्क की, अपने तमाम उन लोगों की जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, मस्कीन हैं, जिनकी पुकार कोई पूछता नहीं है, जिनकी पुकार कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिनमें मुसलमान आते हैं, ठीक है हिंदू बाद में आते हैं, सिख ईसाई ये सब बाद में, लेकिन मुसलमान ऐसी कौम है जिनकी इंडिया में कुछ सुना ही नहीं जा रहा ना भाई, ना एमफिल उनको करने दे रहे हैं, ना पीएचडी करने दे रहे हैं, ना बड़े बड़े किसी मामलात में उनको जाने दे रहे हैं, ना किसी और दूसरे शोबे में जाने। तो इन्हीं की पुकार, इन्हीं की मोहब्बत, इन्हीं की जज्बात जो है वो असदुद्दीन साहब लेकर आए। लोग कहते हैं कि यार असदुद्दीन साहब मुसलमानों की सुनते हैं, यार मैं कहता हूँ वो नहीं सुनेंगे मुसलमानों की। चले मैं आपको बता दूँ, वो नहीं सुनेंगे मुसलमानों को, परहकेंगे भी नहीं। आप मुसलमानों के हकूक तो दो ना, मुसलमानों के राइट्स उनको दो, मुसलमानों को जो वो चाहते हैं वो करने दो, एमफिल करना चाहते हैं उनको करने दो, किसी अच्छे ओहदे पे उनको लगा दो। 300-400 वज़रा हैं मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर, जिनको आप एमएनए वगैरह कहते हो, उनमें से 200 मतलब 50% मुस्लिम्स को दे दो, 50% इंडिया को दे दो, मिल बांट के रहो, फिर देखो वो मुसलमानों को छोड़ दो, वो मैं कहता हूँ ना हिंदुओं के हक में बोलना शुरू हो जाएंगे, यार हिंदू हमारे मुसलमान के साथ इस तरह कर रहे हैं। कितनी सीटें बीजेपी के पास, एक भी मुसलमान है नहीं है, तो इसीलिए तो वो खड़े हुए हैं दोनों वैसी ब्रदर्स। बिल्कुल डेफिनेटली यार, हक पे खड़े हुए हैं और हक का साथ दे रहे हैं। और देखिए
वो अपने लिए कुछ अपील नहीं करते हैं, बार बार वो अपने लिए कोई भी इतना ज्यादा स्पीच नहीं कर रहे हैं, गला क्यों थका रहे हैं, वो अपने लिए गोलियां खा रहे हैं, अपने को बचाने के लिए, तो वो बचाने के लिए मुसलमानों का हक दिलाने के लिए बस। सो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत, स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।